विश्रांतीनंतर आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा पुण्यात बोलत आहेत, थेट जाऊयात. उसको मांगना ही नहीं पड़ता है, पार्टी स्वयं दे दे। अजीब प्रकार की पार्टी बनी तब से लेकर आज तक, जब भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ के रूप में उसकी स्थापना हुई तब। आप कल्पना करिए 1950 में किस प्रकार की स्थिति होगी। आजादी मिली मिली थी, जवाहरलाल नेहरू का सूर्य मध्याह्न पर तपता था, सारा आजादी का यश कांग्रेस पार्टी के अकाउंट में जमा हो गया था। और उस वक्त कुछ युवा खड़े हो गए कि हम नहीं मानते कांग्रेस पार्टी, नहीं मानते कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों को, ये भारतीयता से नहीं जुड़े हैं, ये सिद्धांतों में भारत की मिट्टी की सुगंध नहीं, हम हमारा नया दल बनाएंगे। क्या मिजाज होगा उन लोगों का, अरे भाई क्या दल बनाओगे, कौन स्वीकार करेगा आपको, कौन वोट देगा आपको। मगर उन लोगों ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, क्योंकि उनको मालूम था कि ये जो भारतीय जनसंघ का बीज बो रहे हैं, विचारधारा के आधार पर, संगठन के आधार पर चलने वाली पार्टी का बीज बो रहे हैं, एक वटवृक्ष बनेगा। और आज समय देखिए साहब, आज समय देखिए, 70 ही साल में देखते 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 पूरे विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन, जिस पार्टी के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में हमें ताने लगाते, हम दो हमारे दो युवा कार्यकर्ता को मालूम नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी की एक समय एक चुनाव में 2 सीटें आई थी, अटल जी आडवाणी भी चुनाव हार गए थे, तो अंदर 2 थे बाहर 2 थे, इसलिए कहते थे हम दो हमारे दो। वो नारा लगाने वाले 44 पर अटक गए, हम 2 बार 300 पार कर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये पार्टी कभी नेताओं की पार्टी नहीं रही है, पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी रही है। और आज मेरे सामने जब युवा कार्यकर्ताओं को देखता हूं, मुझे कहे बगैर रहा नहीं जाता, मित्रों पार्टी का भविष्य आप हो, मंच पर बैठे हुए हम लोग नहीं है, आप भारतीय जनता पार्टी का भविष्य। और इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आप बने हो और काम को आगे ले जाने का निर्णय लिया है, तब बूथ के महत्व को जरूर समझना। मुझे ठीक याद है, मैं पहली बार चुनाव लड़ा था, उपचुनाव था, मोदी जी राष्ट्रीय महासचिव थे, मेरे यहां कार्यकर्ताओं की मीटिंग करने आए, उन्होंने कहा आप लोगों को अमित भाई को जिताने की जरूरत नहीं है। मैं कहा बेड़ा घर, क्या गलती हो गई। उन्होंने कहा अमित भाई को मत जिताइए। उन्होंने कहा मेरा आपसे एक ही निवेदन है, हर बूथ का कार्यकर्ता अपना बूथ जीता दे, अमित भाई को विधायक बनाने की जरूरत नहीं है। मगर जब कार्यकर्ता अपना बूथ जीता देता है तो प्रत्याशी वैसे ही जीत जाता है। और बहुत सरल गणित है मित्रों, ये गणित के आधार पर 2014 के बाद सदस्यता अभियान चला, सदस्यता अभियान के बाद संपर्क अभियान चला, उसके बाद प्रशिक्षण का कार्यक्रम चला, जो शुभेच्छु शुभेच्छक हमारे कार्य सदस्य बने थे उनको कार्यकर्ता बनाने की प्रक्रिया हुई। और देखते 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 कुछ राज्यों की हमारी पार्टी कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से लेकर कच्छ के गुजरात तक फैलकर बैठ गई, और जहां स्वप्न भी नहीं देख सकते थे वहां हमारी सरकारें बनी। मोदी जी की इतनी प्रचंड लोकप्रियता थी और हमारे कार्यकर्ता का पुरुषार्थ था, पराक्रम की पराकाष्ठा थी, और ऐसे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जीती जहां कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। इसलिए जब आप बूथ के अभियान से जुड़ते हो, संपर्क से अभियान से जुड़ते हो, तब हमेशा एक बात याद रखना कि कार्यकर्ता जनता और चुनी हुई इकाई के बीच में कड़ी होता है। सरकार के अच्छे कामों को वो जनता के पास, मतदाता के पास ले जाता है, और मतदाता की समस्याओं को सरकार के पास ले जाता है। ये कड़ी अगर निकल जाती है तो पार्टी नहीं बनती। और मैं बधाई देना चाहता हूं
पुणे महानगर के अध्यक्ष जी को, कितनी युवा आयु है उनकी और उन्होंने एक बेसिक काम करने की सोच बन पाई है। ये संपर्क अभियान जो है वो कठिन से कठिन चुनाव जीतने की कुंजी है मित्रों। ये संपर्क अभियान के माध्यम से ही हम ये चुनाव जीत सकते हैं। मित्रों, पुणे नगरी में हूं, शिव छत्रपति का यहां प्रादुर्भाव हुआ, तिलक महाराज, ढेर सारे लोगों ने ये ऐतिहासिक नगरी के अंदर देश को दिशा दिखाने का काम किया। अभी मैं कॉरपोरेशन में जाकर आया, ज्योतिबा फुले को मैंने पुष्पांजलि दी। पूरे देश को रास्ता दिखाने वाले लोगों का ये नगरी है और इस नगरी में भारतीय जनता पार्टी का 2/3 से ज्यादा बहुमत से विजय बहुत जरूरी है और विजय इस संपर्क अभियान से होगा। 600 शक्ति केंद्र के प्रमुख, हमारे 3000 कार्यकर्ता और बाहर भी जो बैठे हैं, ये सभी ये विजय की शिल्पी बन सकते हैं और इसके अलावे कोई हमें जीता नहीं सकता। मित्रों, मैं आया हूं तब आपको कहना चाहता हूं कि संपर्क अभियान का बुकलेट मुझे सुबह दादा ने दिखाया, इसके अंदर हमारी ढेर सारी उपलब्धियां, ढेर सारी योजनाएं डाली, मगर मैं आपको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जहां जहां भी सत्ता में आई, चाहे उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, या केंद्र में नरेंद्र भाई की सरकार हो, हर जगह हमने अच्छा परफॉर्म किया है। आप कार्यकर्ता हो इसलिए मैं आपको कहता हूं, किसी भी मतदाता को मिलते वक्त सीना चौड़ा कर जाइए, आपके नेतृत्व ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे आपको सर नीचा डालना, सर उठाकर अहंकार जी के विवेक के साथ, संवेदना के साथ, हमें आपकी जरूरत है, हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके आशीर्वाद की जरूरत है, आपके समर्थन की जरूरत है, इसको आगे लेकर जाना चाहिए। 7 साल के अंदर मोदी जी ने देश में जो परिवर्तन की बयार लाए, उसकी पूरी दुनिया उसको महसूस कर, जो विदेश जाते होंगे उसको भारत के पासपोर्ट की वैल्यू में कितना बदलाव आया है